उर्वशी कहीं घूमने चले? चलिए, लेकिन आप हमारी आंखों में आंखें डाल के तो नहीं देखेंगे ना? नहीं देखेंगे। आप हमारा हाथ तो नहीं पकड़ेंगे ना? ठीक है, नहीं पकड़ेंगे। आप हमारे पास पास तो नहीं चलेंगे ना? बिल्कुल नहीं चलेंगे। तो फिर आप हमारे साथ क्यों? जहाँ पना के साथ जाइए ना घूमने। ये भी ठीक है। कहाँ जा रहे हैं आप? रुकिए, हम चलते हैं आपके साथ। आप कहाँ जा रही हैं? तैयार होने। अब और कितना तैयार होगी? आप एक से सौ की उल्टी गिनती कीजिए, हम अभी आते हैं। तो 99, 98, 5, 4, 3, 2, 1। हम आ गए। लेकिन हम 16वीं बार उल्टी गिनती कर रहे हैं। और ये क्या? आप तो तैयार होने गई थी ना, उन्हीं कपड़ों में वापस आ गई। तैयार होने का मतलब हम तो सिर्फ अपने आप को आईने में देखने गए थे। उर्वशी, आपको पता है कि शादी के बाद हमेशा पति की मृत्यु पत्नी से पहले शुरू हो जाती है? क्यों? यमराज आते तो हैं पत्नी को लेने, पत्नी तैयार होने चली जाती है। यमराज इंतजार करते करते गुस्सा हो जाते और पति को ले जाते। क्या कहा? उर्वशी, जो पति अपने पत्नी से डरते हैं उन्हें धरती पर ही स्वर्ग मिल जाता है, और जो नहीं डरते वो स्वर्गवासी हो जाते। तो ठीक है, आप मत कीजिए हमसे शादी। अरे उर्वशी, ऐसे कैसे? शादी तो जख्म है जिसमें चोट बाद में लगती। आजकल तो आपको हमारी कोई बात पसंद नहीं आती। पहले जब हम सचते सवरते थे तो आपको बहुत अच्छा लगता था। पहले की बात और थी ना। अब जहाँ पना से कुछ सीखिए, देखिए कैसे अब भी जहाँ पना रानी साहिबा की हर बात मानते हैं। वाह बीरबल वाह, 3 दिन लगातार शिकार करने में मजा ही आ गया। ओह, 3 दिन तक? अरे क्या खाक मजा आया बुबू। 3 दिन तक आप अपने तंबू में आराम ही करते रहे, एक तीतर तक नहीं मारा आपने। शिकार पर हम अकेले जा रहे थे, अब हम तंबू में आराम करें या बंबू पर चढ़े या जंगल के जंगली लोगों के साथ हम नाचे, हमारी मर्जी। आप तो किसने कहा था हमारे साथ आने के लिए? लेकिन जा बना, अगर आपको आराम ही करना था तो महल में ही कर लेते, शिकार के लिए जाने की क्या जरूरत है? अरे बीरबल, आप समझते नहीं है, यहाँ पर रानी साहिबा और सासू अम्मी हर वक्त हम पर सवार रहती हैं। उनके जुल्म और सितम से बचने के लिए तो हम यहाँ से बाहर गए थे। अब देखिए वापस आ गए हैं तो हमारा शिकार करने के लिए वो दोनों आती होंगी। सलीम के अब्बा, क्या कहा था हमने? आइए 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 रानी साहिबा, आइए बैठिए। आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठ जाइए। तो आप भी बैठ जाइए। नहीं, हम यहीं पर ठीक है जहां पर। वैसे रानी साहिबा, आपको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हम तैयार हैं। तैयार है किस लिए? आपका शिकार होने के लिए। क्या? नहीं, हमारे कहने का मतलब है आपकी बातें सुनने के लिए। सलीम के अब्बू, सलीम के अब्बू, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप हमें गलत समझ रहे हैं। अब हमें समझ में आ गया जीवन क्या है। जीवन तो बस एक संघर्ष है। और जीवन क्या है? जीवन तो रोटी, कपड़ा और मकान है। बहना, आप ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हैं? रानी साहिबा, आज वैसे भी आपने ये हुलिया क्या बनाकर रखा है? कहीं हमारी गैर हाजिरी में हमारे महल में चोरी तो नहीं हो गई? ये कोई चोर आया और आपके कपड़े गहने चुरा कर ले गया? हाँ, जहां बना हमने फैसला किया है कि आज के बाद हम गरीबों की तरह रहेंगे। और सिर्फ हम ही नहीं, आप सब भी। आप जहां बना, भाई साहब आप, वासु तुम, और जब सलीम आएगा तो वो भी गरीबों की तरह रहेगा। क्या हम जान सकते हैं कि आप पैसा क्यों चाहती हैं हमसे? हाँ, उसके लिए आपको
वो जानना होगा जो हमारे साथ कल हुआ है। अब्दुल कैसे हो? हरे राम, सब ठीक? आओ आओ आओ। वाह वाह वाह, बहुत मजा आ रहा है। संजना, अंशिका, इतने दिनों के बाद रियासत का दौरा करने निकले। चलो चलो, देखते हैं हमारी रियासत में कौन क्या कर रहा है। ओए, देख के नहीं चल सकती क्या? देख कर तो आप भी नहीं चल रही थी रानी साहिबा, या फिर शायद हम गरीबों पर आपकी नजर ही ना पड़ती हो। आप ठहरी रानी साहिबा। बदतमीज, कितनी बदतमीजी से बात कर रही हो तुम हमसे। तुम जानती भी हो इसके लिए तुम्हें सजा हो सकती है। आप जो चाहे कर सकती हैं रानी साहिबा। महल में ये ऐशो आराम की जिंदगी जीना, ये महंगे कपड़े, ये साड़ियां, ये सब पहनना, हम गरीबों को अपने पैर की जूती समझना, इसके अलावा आपको आता क्या है? तुम्हारा मतलब क्या है? हाँ, आप इस तरह की बातें इसलिए कर रही हैं क्योंकि आप रानी हैं। एक महीना, सिर्फ एक महीना गरीबों की जिंदगी जीकर दिखाइए रानी साहिबा। अमीर रानी तो आप हैं ही, अब गरीबों की रानी बनकर दिखाइए। एक महीना, सिर्फ एक महीना। क्या हुआ रानी साहिबा, आपकी बोलती क्यों बंद हो गई? नहीं, बोलती बंद नहीं हुई है। हम गरीबों की रानी बनकर दिखाएंगे आप। एक महीना ना, एक महीना ही सही। और हम नहीं, हमारे साथ हमारा पूरा परिवार गरीबों की जिंदगी जी कर दिखाएगा। जाओ, रियासत में जाकर लोगों को कह दो कि आज से क्या, अभी से ये रानी साहिबा गरीबों की रानी है, गरीबों की रानी। हाँ जहां पना, ओह लाइए के पैर दीजिए। रानी साहिबा, आपने एक सब्जी वाले के साथ शर्त लगाई है। मुआफी जाएंगे रानी साहिबा, लेकिन इस शर्त में हम आपका साथ नहीं दे सकते। मुझे पता है बूबी, मैं भी नहीं साथ दे पाऊंगा। बहना, हम भी नहीं। नहीं ओए, हम पूछ नहीं रहे, बता रहे आप सबको, हमने गरीबों की रानी बनने का फैसला कर लिया है और आप सबको हमारा साथ देना होगा। और जिसने हमारा साथ नहीं दिया ना, हम मासा को बताएंगे, उसे मासा ही आकर समझाएगा। मुझे पता है भूभी, मैं तैयार हूँ। बेटा, हम भी। लेकिन रानी साहब, आप बीरबल, आप कुछ नहीं कहेंगे। जहां पर ना, आप हमारे साथ हैं या हम मासा को बुलाएं? हम आपके साथ हैं रानी साहिबा। अच्छा अच्छा, आप कुछ हमसे कहें और हम ना माने, कभी ऐसा हो सकता है? वाह, अरे सासू अम्मी जैसी पवित्र आत्मा को आप तकलीफ क्यों देती हैं? हम आपके साथ हैं। चलिए ठीक है, लाइए आपके हाथ भी दबा देते हैं। हमें क्या होना है? गरीब। हुजूर, कैसा लग रहा है आपको? खजूर की तरह। अब्बू, आपने से पेट क्यों पकड़ा हुआ है? खाना हजम नहीं हुआ ना? चूरन लाके दो, चूरन। अरे साहिबा, खाने को हजम करने का सवाल तो तब पैदा होएगा जब हम कुछ खाएंगे। सवाल कर रही हैं आप रानी साहिबा, ये सूखी रोटी चटनी के साथ हम नहीं खा सकते हैं। पेट तो इसलिए पकड़े क्योंकि भूख लग रही है हमें। ये भी कोई पेट पकड़ना हुआ?
अरे पेट तो लोग हमारे मैके में पकड़ा करते थे, और क्या पेट पकड़ते थे, क्या पेट पकड़ते थे, समझ में ही नहीं आता था कि पेट उनको पकड़ रहा है या वो पेट को पकड़ रहे हैं। रानी साहिबा, भूख से वैसे ही हमारा दिमाग काफी गर्म हुआ पड़ा है, अभी आपने मैके की कहानियां सुनाकर उसे और गर्म ना करें तो बेहतर होगा। ठीक है जहांपना, चलिए हमारी आंचल की छांव में सो जाइए, आपका पेट दिमाग दिल सब ठंडा हो जाएगा। चल कहां सोए? आंचल की छांव, ये है आपके आंचल की छांव? ये क्या कर दिया है आपने हमारे कमरे को, क्या बना दिया है हमारे महल को आपने रानी साहिबा? हम यहाँ ना ये चटाई चटाई पे नहीं सो सकते हम, हमें नहीं नींद आती ऐसी चटाई पे। क्यों, हम सो सकते हैं तो आप क्यों नहीं सो सकते? हमें नींद आ सकती है तो आपको क्यों नहीं? चलिए चलिए सो जाइए, नीचे बैठिए, चलिए चलिए, गरीब लोग ऐसे ही सोते हैं जहां पर ना। चलिए जमीन पे सोई सोई। रानी साहिबा, ऐसे तो हमारी गर्दन भी अकड़ जाएगी, तकिया कहाँ है? देखिए जहां पर ना, गरीब लोगों के पास तकिया वकिया नहीं होता, बस एक चद्दर होती है जो ओढ़ के वो लोग सो जाते हैं। चलिए एक एक चद्दर हम दोनों ओढ़ के सोएंगे? हाँ हाँ, चलिए लीजिए, ये इधर यहाँ दीजिए। अरे हमें दीजिए, अरे अरे जहांपना, ये क्या किया आपने, क्या किया ये? आसमान से ऊंचा कोई नहीं, सागर से गहरा कोई नहीं, अरे इनसे तो सब प्यार कर, पर हमारे लिए आपसे प्यारा कोई नहीं। छोड़िए, आज कुछ ज्यादा ही प्यार टपक रहा है। ऋषि, आपको देखते ही प्यार टपकने लगता है। तो ठीक है, हम आपको और खुश कर देते हैं, ये लीजिए। ये क्या है? आजकल गर्मियों में आपको बहुत पसीना आता है ना, तो हम आपके लिए रुमाल लेकर आए हैं। इतना बड़ा रुमाल? तो ठीक है, आप इसे काट कर रुमाल बना लीजिएगा, और जो बचेगा हम उसका लहंगा बना लेंगे। उर्वशी, फिजूल खर्च, आप हमसे रोज 50 मोहरे मांगती, इतने मोहरों का करती क्या है? हमें क्या पता, अब तक आपने हमें मोहरे दी कहाँ हैं? उर्वशी, अभी ये हाल है तो शादी के बाद क्या होगा? छोड़िए, शादी इतनी आसानी से नहीं होगी, जब तक आप वाले कोई बहादुरी वाला काम नहीं करते हम आपसे शादी नहीं कर सकते। उर्वशी, इस महंगाई के जमाने में आपसे शादी कर रहे हैं, ये क्या कम बहादुरी का काम है? छोड़िए, बहाने मत बनाइए, और ये बताइए कि शादी के बाद आप हमें कहाँ घुमाने ले जाएंगे? वैद्य जी ने कहा है कि हमें किसी ठंडी जगह जाना चाहिए, तो बताइए कहाँ ले जाएंगे? दूसरे वैद्य के पास। उर्वशी, यहाँ हम आपके खर्चे से परेशान है, और वहाँ बिना खर्च के रानी साहब के नखरे से जहाँ पाने परेशान। देखिए, जापना, आप यहाँ क्यों सो रहे हैं? अरे पूछे मत बीरबल। ठीक है, नहीं पूछते। नहीं नहीं, हमारे कहने का मतलब ये नहीं है कि नहीं पूछिए, पूछिए। अरे रानी साहिबा के सर पे ये जो गरीबों की रानी बनने का भूत सवार है ना, नाक में दम कर रखा है हमारे। पहले तो हमें कुछ खाने को देती नहीं है, देखिए भूख से कितना सुखड़ गए हैं हम। हमें बचाइए बीरबल, कुछ कीजिए, हमें इस मुसीबत से बचाइए। ऐसा करने की सोचिए भी मत बीरबल, वरना हमसे बुरा और कोई नहीं होगा। हाँ चलिए, अगर आपकी बातें बातें खत्म हो गई हो ना, तो काम पे जाइए, चलिए जाइए। हाँ वैसे भी हमें दीवाने खास में जाना है, हम जा रहे हैं। दीवाने खास की बात नहीं कर रहे हैं, गरीबों की तरफ बाहर जाइए, घर से बाहर जाएंगे, धूप में काम करेंगे, दो पैसे कमाएंगे तो आपका घर चलेगा, जाइए। साहिबा, हम बाहर जाके मेहनत मुशक्कत वाला काम क्यों करें? अरे ऊपर वाले का दिया सब कुछ है हमारे पास। वो सब रियासत का है सलीम के अब्बू, आपका नहीं। हाँ आप तो गरीबों की तरह बाहर जाएंगे, कमाएंगे, तब जाके आपका घर चलेगा। हाँ जाइए जाइए जाइए। रानी साहिबा बहुत हो रहा है, ये पागलपन बढ़ता ही जा रहा है बस। क्या चाहते हैं?
पूरी रियासत के सामने हमारी नाक कट जाए, हम झूठे साबित हो जाए, लोग क्या कहेंगे? हमें हिम्मत नहीं है, गरीबों की रानी बनने की हिम्मत नहीं है। जा बना, हमें लगता है कि रानी साहिबा सही कह रही, आपको वही सब करना चाहिए जैसे रानी साहिबा कर रही, उन्हीं की तरह सोचना चाहिए, उन्हीं की तरह रहना चाहिए। हम तो सोचते थे बीरबल के आप हमारे दोस्त हैं, लेकिन आप तो हमारे दुश्मन निकले। हम आपके दुश्मन? और क्या, रानी साहिबा की हाँ में हाँ मिला रहे हैं आप, हमें मजदूरी करने भेज रहे हैं आप। चलिए आपकी बातें खत्म हो गई हो तो जाइए, काम पे जाइए। अब ये क्या है? ये सूखी दो रोटी और प्याज आपका खाना। हम मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर सूखी रोटी और प्याज खाएंगे? ओ मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर, आप गरीब है, ये गरीबों वाला खाना है, थोड़ी सी चटनी भी दी है। जहां पना को इस मुसीबत से बाहर निकालना होगा। चलिए बीरबल, आज का दिन समाप्त हुआ। ये लीजिए। कैसा था आपका दिन? बढ़िया। जहां पना? बढ़िया। रानी साहिबा? बढ़िया। शहजादे सलीम? बहुत बढ़िया। और बाकी? बहुत बहुत बढ़िया। राजा दरबार? बहुत 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 बढ़िया। और क्या चल रहा है? आपके बेमतलब के सवाल जवाब। छोड़िए, आजकल तो आपका हमारे ऊपर और हमारी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं रहता। ऋषि, आप तो बुरा मान गई। चलिए आपके बारे में बातें करते हैं। ये बताइए कि आज नृत्य में आप किस रंग के कपड़े पहनने वाली? छोड़िए, हम जब भी आपसे कुछ काम की बात करते हैं आप इसी तरह मीठी मीठी बातें करते हैं। कोई अकलमंदी का सवाल नहीं पूछ सकते क्या? ठीक है ऋषि, ये बताइए कि जहाँ अकबर जो है वो दुविधा में है कि इस साल किसानों पर कितना लगान लगाए, 50% या 60%? क्या है कि सालाना सुविधा 3,50,000 होनी चाहिए, तो सालाना सुविधा 3,50,000 होने के लिए कर कितना प्रतिशत होना चाहिए ये आप बताइए। आप तो बुरा मान गए, हमें बहुत नींद आ रही है, हम चलते हैं। कहते हैं ना, जिसका काम उसी को साझे। अब बादशाह अकबर किसान बन गए और पछता रहे, लेकिन अब रानी साहिबा की बारी है। देखिए, अरे बिरबल, बिरबल ये हम क्या सुन रहे हैं? इनको क्यों निकाला जा रहा है? जहां पना का हुक्म है रानी साहिबा, जहां पना का कहना है कि उनके पास जो खजाना है वो रियासत का है, और रियासत के खजाने से वो इन्हें तनख्वाह नहीं दे सकते। जाइए आप, जाइए। ये बिरबल, इनका काम कौन करेगा? आप? हाँ? रानी साहिबा, जो गरीब होते हैं वो खुद का काम खुद करते हैं, और आप भी गरीब हैं तो काम तो आप ही को करना होगा। ओह, हम समझ गए बिरबल। हाँ, कमर टूट गई, कितना दर्द हो रहा है, इतना सारा काम किया हमने पूरे दिन। हम गरीबों की रानी नहीं बनना चाहते, नहीं बनना चाहते हम गरीबों की रानी। ओ, गरीबों की रानी। चलिए जल्दी से सामान बांध लीजिए अपना। क्यों? क्योंकि हम ये महल छोड़कर जा रहे हैं। क्यों क्यों क्यों? अरे क्यों 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 क्या रानी साहिबा, ये रियासत का महल है, हमारा महल नहीं है ये। अरे हम तो गरीब लोग हैं, जाकर अपने झोपड़े में रहेंगे, हम कुछ काम करेंगे, आप झोपड़ा संभालना, कितना मजा आएगा। वाह, बहुत मजा आएगा जहांपना, और हम सचमुच गरीबों की रानी बन जाएंगे। चलिए चलिए, कहाँ है हमारा झोपड़ा, कहाँ है दिखाइए। नहीं अभी है नहीं, होगा, कुछ पैसे वैसे कमाएंगे तभी तो हम खरीद पाएंगे अपना झोपड़ा। कुछ काम हम करेंगे, कुछ काम आप करेंगे, हम थोड़ा कमाएंगे, आप थोड़ा कमाएंगी। हम कैसे कमाएंगे जहाँ पर ना? रानी साहिबा, आप सब्जी बेचने का काम करना। हम सब्जियां बेचेंगे? वाह वाह, इतना मजा आ रहा है, हम तो सब्जी वाली बन गई। चल रानी साहिबा,
अब काम करो, गरीबों की रानी हो। ले लो ले लो, अरे कोई सब्जियां ले लो, ताजी ताजी सब्जी है भाई, ले लो गाजर ले लो, पालक ले लो, अरे लाल लाल टमाटर ले लो। चल अपना टमाटर कहीं और जाके बेच, ये हमारा इलाका है, चल निकल यहाँ से। अरे तुम फिर से आ गई, तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रही हो? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मेरे जैसी सब्जी बेचने वाली एक गरीब औरत से बात कर रही हूँ। चल जा यहाँ से, कहीं और जाके बेच। हम यहीं पर अपनी सब्जियां बेचेंगे, हम कहीं नहीं जाने वाले। नहीं जाएगी तू? तुम्हारी हिम्मत कैसी है हमारी सब्जियां गिराने की? हाँ भाई, क्या बड़बड़ा रही हैं आप? देखिए हम ना ये सब्जियां नहीं बेचेंगे। हाँ हमसे नहीं होगा। कोई बात नहीं रानी साहिबा, इतना हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। आप सब्जियां नहीं बेचना चाहती तो आप किसी अमीर आदमी के घर पे झाड़ू पोछा कर लेना। देखिए जापना, हमें ना ये गरीबों की रानी नहीं बनना है। हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई कि हमने उस सब्जी वाली की बात सुन ली और जिद कर बैठे कि हम सारे गरीब बन जाएंगे। हमें माफ कर दीजिए जापना, सब कुछ ना पहले जैसा कर दीजिए आप। रानी साहिबा, सब कुछ पहले जैसा कर तो दें, लेकिन हमारी एक शर्त है। कौन सी शर्त? कि आप फिर कभी ऐसी जिद नहीं करेंगी। हमें माफ कर दीजिए जापना, हम फिर ऐसी जिद कभी नहीं करेंगे। आप ना वो दास दासियों को बुला लीजिए। रानी साहिबा, वो सब यही है, वो सब कभी कहीं गए नहीं। मतलब ये रानी साहिबा कि ये सब एक नाटक था जो बीरबल के साथ हमने रचा ताकि आपके सर से ये गरीबों की रानी बनने का भूत उतर सके। रानी साहिबा, इस दुनिया में जो भी है सबकी एक वजह है, हर इंसान के अपने अपने कर्तव्य और अपने अपने कर्म। अगर आप और जापना राजा और रानी है तो इसकी भी एक वजह है। कौन सी वजह बीरबल? रानी साहिबा, आप और जापना अपने कर्मों से लोगों की खुशहाली और तरक्की में मदद कर सकते हैं, गरीबों की जिंदगी बेहतर बना सकते हैं। ये तो आपने सही कहा बीरबल, कुछ वक्त गरीबों की तरह बिताकर हमें एहसास हो रहा है कि ये गरीबों की जिंदगी कितनी मुश्किल है, कितनी मुश्किलों और परेशानियों से इन्हें गुजरना पड़ता है। इसलिए हमने तय कर लिया है बीरबल, जब तक अपनी रियासत से हम गरीबी को पूरी तरह हटा नहीं देते, हम चैन की सांस नहीं लेंगे। वाह जापना वाह, अगर आपने ऐसा कर दिया तो सदियों सदियों तक लोग रानी साहिबा को याद रखेंगे। हमें याद रखेंगे। रानी साहिबा, सब कुछ करेंगे हम तो रानी साहिबा को याद क्यों रखेंगे? क्योंकि जापना, आपको ऐसा करने की प्रेरणा गरीबों की रानी से ही तो मिली है। ये भी सही है, तो बोलो गरीबों की रानी जिंदाबाद।